हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं, वेलकम बैक टू अपैक्स इंस्टीट्यूट। अपैक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बारी फिर तुहाडा स्वागत है। सो जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो, अज भी आपां इंपोर्टेंट ज्योग्राफी दे अपने सैशन नूं डिस्कस करांगे। सो अज अपनी क्लास नंबर 8 है, जो कि काफ़ी तुहाडे लई हैल्पफुल रहेगी पीटेट ईटीटी एग्जामीनेशन दे लई, ठीक है जी। सो एंड पंजाब दे जिहड़े भी अपकमिंग एग्जाम्स है सारे लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नूं आपां ज्योग्राफी दे डिस्कस करांगे। सो देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन। देखो ट्री कवर यानी कि फॉरेस्ट एरिया आप कह सकते हैं, ट्री कवर यानी कि मैक्सिमम ट्रीज आपको कितने देखने मिलते हैं इन्होंने वेस्टर्न सॉरी ईस्ट डेकन, नॉर्दन प्लेन्स, वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट। हाँ जी, सो ट्रीज का जोड़ा है रुख का ढक्कन है ना, रुख का जोड़ा आप कहे एरिया है मैक्सिमम कितने देखने मिलता। सो इंडिया के आपको पता है दिस इज़ ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वैसटर्न घाट। तो वैसटर्न घाट को आप होर की बोल देने, वैसटर्न घाट को बोल देने सहयाद्री, सहयाद्री। सो वैसटर्न घाट वाला जोड़ा अपना एरिया है सी ऑप्शन वैसटर्न घाट, ये जो ट्री एरिया है ट्री कवर है वह मैक्सिमम है। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। तो वैसटर्न घाट को आप होर की बोल देने दैट इज सहयाद्री, ठीक है जी। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। सो इतने आप ट्रीज काफ़ी देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैकेंड क्वेश्चन है द ओनली सेंचुरी वेयर कस्तूरी स्टैग इज फाउंड। सो एको एक स्थान जिथे कस्तूरी स्टैग पाया जाता है वो कितने, काना, डचिगम, गिर या फिर मुडुमलाई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कस्तूरी स्टैग। स्टैग होंगे अपना हिरन, ठीक है। सो हिरन भी बोल देंगे स्टैग। सो कस्तूरी को मृग है, स्टैग है, हिरन है, जो आपको कितने देखने मिलता है ये मिलता है जी डाचीगम नेशनल पार्क। सो डाचीगम एक नेशनल पार्क है दैट इज इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इतने इको एक सेंचुरी है डाचीगम नेशनल पार्क है सेंचुरी, जिथे कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरन आपको देखने मिलता है। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर दैट इज डाचीगम, ठीक है जी। गिर आप पढ़िया सी, गिर कितने है गुजरात के, इतने अपन की देखने मिलते हैं एशियाटिक लॉयंस है ना, एशियाटिक लॉयंस कितने देखने मिलते हैं गिर के है ना। सो इंपॉर्टेंट है कस्तूरी स्टैग दैट इज इन द डाचीगम, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखो की है विच क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन जायद सीजन, ठीक है। सो जायद की फसल दसनी है इन्होंने केड़ी है, वाटरमेलन, सोयाबीन, मेज, मक्की या फिर जूट। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन फसलों के नाम पूछे जाते हैं जिमें कि आपको पता होने चाहिए भी रबी की क्रॉप्स केड़ी हैं, खरीफ की क्रॉप्स केड़ी हैं, तो तीसरी है जायद की क्रॉप्स। सो ये जो अपना क्वेश्चन है ये जायद सीजन तो है। सो जायद सीजन के अपन वो फसल आदि हैं जिन्होंने पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती। सो ईजली जो तुम ऑप्शन भी पहचानो तो ये ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर दैट इज़ वाटरमेलन, तरबूज। सो ये काफ़ी ज़्यादा पानी होंगे तो यही जायद की फसल है। सो वाटरमेलन तो इलावा मेलन होंगे, ठीक है, या फिर इन आप मस्क मेलन कह सकते हैं, तरबूज, खरबूजा सॉरी, या फिर कुकुंबर है जिन्हों पर खीरे कहने। सो ये काफ़ी ज़्यादा जायद सीजन के उगाए जाते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। सोयाबीन की जो गल करिए इट इज़ रिच इन प्रोटीनस। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम प्रोटीन आपको कि देखने को मिलता है दैट इज़ सोयाबीन। एम पी के काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन होंगी है, ठीक है। सो ये भी याद रखना है दैट इज़ अबाउट सोयाबीन, क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर दैट इज़ वाटरमेलन। नेक्स्ट देखो की है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो आप इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखनी है। सो नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन के आ जा है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड। हाँ जी, सो सब तो पहला तुम सारे ने अपने आंसर्स देने हैं, दैन आप इस सैशन दे विच आप सही आंसर देखेंगे कि अपना सही आंसर की है। सो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है किड़ी स्टेट दे विच है दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के जी अपनी चंबा सिटी है ना, चंबा तो सुने होगा, चंबा जोड़ा शहर है वो नाल ही है कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की है जी शिमला। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है दैट इज जम्मू एंड श्रीनगर है ना, एंड उत्तराखंड की कैपिटल है जी देहरादून। क्लियर है, तो सारी कैपिटल्स भी आप याद रखनी है। कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ देखो की है, वेयर इज द ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी। सो सब तो पुरानी काम कर रही रिफाइनरी कितने है, ऑयल रिफाइनरी है ठीक है, बहामास, बसरा, डिगबोई या फिर टेक्सास। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑयल दी रिफाइनरी है ठीक है, तेल ईंधन ऑयल दी रिफाइनरी। सो काफ़ी पुरानी रिफाइनरी है, ये अंग्रेजों ने बनवाई सी 1901 दे, ठीक है जी, बाय ब्रिटिशर्स, ते हले भी वर्क कर रही है दैट इज इन द डिगबोई। ठीक है, सो दुनिया की ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी है डिगबोई, तो डिगबोई कितने है असम दे, ठीक है असम दे। सो ऑयल रिफाइनरी है इंपॉर्टेंट है, इसी करके डिगबोई नू अपा होर की बोल देने, ऑयल सिटी भी बोल देने, ता इत्थे ऑयल दे वेल है सब तो पहला ड्रिल किते गए सी, एशिया दे विच भी पहली सी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज इन डिगबोई। ठीक है जी, सो डिगबोई इज द ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, सो याद रख। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते, आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है सिक्स क्वेश्चन, इन विच स्टेट द कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। सो कोयना एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यानी कि डैम है, कोयना नदी उत्ते बने, केड़ी स्टेट दे विच है पाई दसना, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सो वेरी इंपॉर्टेंट कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो कोयना जो कि कोयना नदी उत्ते बने, सो कोयना जड़ी रिवर है फ्लो करती है महाराष्ट्र दे विच। सो कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितने है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दे विच एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सतारा डिस्ट्रिक्ट। सो सतारा डिस्ट्रिक्ट दे विच है कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे डैम बने, चार डैम बने हुए इस नदी पर, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल हो जूगी मुंबई। बिहार की कैपिटल है जी पटना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तो अमरावती कड़ी नदी के किनारे है, एक कृष्णा रिवर के किनारे है, ये भी आप याद रखना है। एंड तमिलनाडु की कैपिटल है दैट इज चेन्नई। ठीक है जी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थे महाराष्ट्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन थे, सेवन्थ क्वेश्चन देखो की है, वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सिटुएटेड। सो इंडिया दे विच एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कितने है, पैरादीप, कोची, मुंबई या फिर दिल्ली। सो काफी इंपॉर्टेंट ये इंडिया दी पोर्ट है, बंदरगाह है, सो अपा स्टेट दसनी है, सिटी दसनी है कितने। हाँ जी, सो आंसर करो फटाफट पहला, फिर आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर। चलो, सो जवाहरलाल नेहरू जड़ा पोर्ट है इनू आप होर की बोल देने दैट इज नवा शेवा पोर्ट। इनू नवा शेवा पोर्ट भी बोल देने, इट इज इन द ईस्ट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज इन मुंबई। सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शेवा पोर्ट भी बोल देने, मुंबई के बीच है। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है। इस तो अलावा पैरादीप पोर्ट भी तुम याद रखनी है, पैरादीप पोर्ट जी है उड़ीसा के बीच है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अपन पूछी जाती है। ठीक है जी, सो पैरादीप इन उड़ीसा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इन नवा शेवा पोर्ट, ए कितने दैट इज इन मुंबई। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन थे,
सो एट्थ क्वेश्चन देखो कि है सिंघभूम, सिंघभूम इज फेमस फॉर। सो सिंघभूम एक जगह है, किस चीज लिए फेमस है? कोल, आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम? हाँ जी, सो इम्पोर्टेंट है सिंघभूम। सो सिंघभूम किस चीज लिए फेमस है? ये आयरन दी ओर्स लिए फेमस है, इतने अपन आयरन लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंघभूम एक जगह है झारखंड स्टेट के विच, ठीक है जी, झारखंड ते झारखंड की कैपिटल की है रांची। सो सिंघभूम फेमस है झारखंड के विच, इतने अपन आयरन ओर्स मिलते हैं। सो आयरन का सिंबल की होगा Fe, ते आयरन की जिहड़ी ओर्स है खनिज है वो नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइट्राइट, ए आयरन दियां ओर्स दे नाम। एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम दी ओर आपां नूं पुछी जांदी है, दैट इज बॉक्साइट, ते बॉक्साइट इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा उड़ीसा दे विच हुंदा है, ठीक है। कॉपर दा सिंबल हो जाऊगा अपना Cu एंड कोल दैट इज कोयला। सो कोयले दी भी आपां नूं इंडिया दे विच चार फॉर्म्स मिलदी हैं, दैट इज एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिगनाइट, तो चौथी केड़ी है पीट। इस चो अपन पूछे जाते भी सब तो प्योर फॉर्म केड़ी है कोयले दी, दैट इज एंथ्रासाइट, तो सब तो पुअर बेकार फॉर्म केड़ी है दैट इज पीट, ठीक है, ये भी आप याद रखना है। तो जिहड़ा कोल आप घर यूज करते हैं डोमैसटिक परपज के लिए वो कि होंगे दैट इज बिटुमिनस। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। सिंघभूम ये है आयरन लिए फेमस है। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन लोकेटेड। सो दुनिया के जोड़ा वर्ल्ड ओशन है वह डीपेस्ट पार्ट दसना है किड़े ओशन के, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन या फिर पैसिफिक ओशन। हाँ जी, सो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन, पहली चीज तो आप याद रखना है दुनिया का सब तो डीपेस्ट ओशन भी केड़ा है अपना पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट पार्ट। सो जे ये डीपेस्ट ओशन है सो इसे दे विच डीपेस्ट ट्रेंच भी होगी। सो ये डीपेस्ट ट्रेंच का नाम की है? दैट इज मरियाना ट्रेंच, है ना। सो ये दुनिया का सब तो डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच, अपन कितने देखने को मिलती है? दैट इज इन द पैसिफिक ओशन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉमन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर POK जिहड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है उहदे विच एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट शहर केड़ा आ जाता है? पूंछ, कारगिल, मुजफ्फराबाद या फिर जम्मू। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो देखो जेड़ा अपना जम्मू कश्मीर है, सो जम्मू कश्मीर दे विच अपनी LOC है, सो आ हिस्सा जेड़ा अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो आ हिस्सा अपना जम्मू एंड कश्मीर है। सो जम्मू कश्मीर दे LOC दे विच एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है बिल्कुल अपने बॉर्डर से, है ना, LOC दे विच, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम की है? दैट इज पूंछ डिस्ट्रिक्ट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पूंछ। क्लियर है? सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की कैपिटल की है? दैट इज इस्लामाबाद। पाकिस्तान का एक निकनेम भी है, पाकिस्तान ऊपर की बोलते हैं? दैट इज लैंड ऑफ कैनाल्स, ठीक है। सो ये भी याद रखें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन देखो की है, द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया इज। सो दक्षिण भारत की है ना सब तो उच्ची चोटी का की नाम है? अनाईमुदी, दोदा बेटा, मीसा, पुली माला या फिर ऊटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। जे इस क्वेश्चन नू मॉडिफाई किया जाए तो ऐसा भी बन जूगा सेम क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। सो हमने आप वेस्टर्न घाट से भी गल की थी जिन्होंने आप सहयाद्री बोलते हैं।
सो या तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट या हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ये किनू बोल देंगे दैट इज अनायमुदी। सो अनायमुदी कितने है? केरल दे विच है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनायमुदी। सो ये साउथ इंडिया की सब तो हाईएस्ट पीक का नाम है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो आज का अपना की है। सो ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कुंचिकल वाटरफॉल्स लोकेटेड। सो कुंचिकल एक झरना है, किड़े राज दे विच स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सो इंपॉर्टेंट है एक नवे वाटरफॉल्स, दैट इज कुंचिकल वाटरफॉल्स, एक केड़ी स्टेट दे विच है? सो ये है जी कर्नाटक दे विच। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक। सो कुंचिकल वाटरफॉल्स नू केड़ी नदी बनाती है? नदी का नाम है बराही रिवर। सो कर्नाटक दे विच फ्लो करती है बराही रिवर, जिवें कि तुहानू दस्सिया सी इंडिया दे विच बहुत सारिया रिवर्स है ना। सो वराही रिवर जो कर्नाटक दे विच है, इत्थे बने है कुंचिकल वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट है, फेमस है, याद रख। सो केरल दी कैपिटल की है? दैट इज तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु दी कैपिटल है जी चेन्नई। आंध्र प्रदेश दी कैपिटल है अमरावती। कर्नाटक दी कैपिटल है बेंगलुरु। क्लियर है? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th, गुवाहाटी इज लुक सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सो गुवाहाटी केड़ी नदी के किनारे? तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली या फिर सोन। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन अपन नूं पूछा जाता है। सो गुवाहाटी केड़ी नदी दे किनारे? सो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी दे किनारे है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रह्मपुत्र। सो गुवाहाटी तो इलावा अपना दूसरा शहर भी याद रखना है, दैट इज दिब्रूगढ़। ठीक है, दिब्रूगढ़ ते गुवाहाटी ते दिब्रूगढ़ दोनों ही असम दे शहर है। ये असम दे दोनों शहर है, ब्रह्मपुत्रा नदी दे किनारे है। ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वॉल्यूम वाइज केड़ी है? दैट इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, हुगली नदी के जड़े किनारे जड़े शहर है वो है जी कोलकाता, तो दूसरा है हावड़ा। सो हावड़ा जो शहर है तो कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है जी, सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ब्रह्मपुत्र। चलते हैं आज के अपने 13th 14th क्वेश्चन पर। द रिवर किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। सो एक नदी है किशन गंगा, एक किदी सहायक नदी है, किदी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज, चेनाब, झेलम या फिर गंगा। हाँ जी, सो जी किशन गंगा है एक यदि ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। सो इंडिया दे विच जम्मू कश्मीर दे विच फ्लो करती है झेलम, तो यदि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज किशन गंगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झेलम। क्लियर है जी, सो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया केड़ी है? दैट इज गंगा। तो गंगा की लेंथ किन्नी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है जी, ये भी अपना याद रख। तो झेलम, सतलुज, चेनाब ये तीनों ही इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, अगे जाके इंडस नदी दे विच मिल जाती है। एंड इंडस इज द लोंगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो इंडस है जी पाकिस्तान की सब तो लंबी नदी है, ये भी अपना याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन देखो की है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सब तो लंबी नदी केड़ी है? नील, थेम्स, गंगा या फिर मिसिसिपी।
सो लॉन्गेस्ट रिवर है जी वर्ल्ड की, नो डाउट वो कही है, दैट इज नील नदी। सो नील नदी है मेनली इजिप्ट दे विच फ्लो करती है मेनली, तो यदि जी लंबाई है वह है 650 किलोमीटर, ठीक है, 6650 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड। तो गंगा की है इंडिया की सब तो लॉन्गेस्ट रिवर है, सो ये भी अपन पता है 2525 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। सो बाकी थेम्स मिसिसिपी भी इंपॉर्टेंट नदी है लेकिन लॉन्गेस्ट जी याद रखनी है, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। सो भारत की सब तो बड़ी मनुख वालों बनाई गई झील केड़ी, चिलिका, डल, सांभर या फिर गोविंद बल्लभ सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये कही है, दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है जी। ये उत्ते ही फेमस एक डैम भी बने हैं, दैट इज रिहांद डैम, काफ़ी बड़ा डैम है भी। सो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कही है, दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, इंडिया की सब तो बड़ी मनुख वालों बनाई गई आर्टिफिशियल लेक, ठीक है जी। सांबर लेक की जो आप गल करिए, इट इज़ इन द राजस्थान, ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। डल झील की जो आप गल करिए, जम्मू कश्मीर के बीच है, एंड चिलिका इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड। सो जे आपको पूछ लें लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक तो आप आंसर लेना चिलिका, तो जे आपको पूछ लें लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक तो आप आंसर लेना सांभर। तो चिलिका जी लेक है ये है जी उड़ीसा के, भी आप याद। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, क्लियर है। सो यही अज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप थानू सैशन अच्छा लग्या, सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दौ, शेयर कर दौ, तो जिन्होंने हले तक अपैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, सबसक्राइब नहीं किया, चैनल में सबसक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके सारिया तो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स दियाँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तुहानू करवाते रहिए, ठीक है जी। सो आज के लिए नहीं करते, मिलते अपने नैक्सट पार्ट के, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।